लाइफ तो हीरोज तो बहुत होते हैं, बट रियल लाइफ हीरोज की बात ही कुछ और है। मैं बात कर रहा हूँ अपने विंग कमांडर अभिनंदन की। उनकी तो बात ही कुछ और है। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू सर। एंड टुडेज व्लॉग इज डेडिकेटेड टू मिस्टर अभिनंदन। बट राइड करने का कुछ खास मूड है नहीं मेरा। अरे इतना जल्दी नहीं, वेट वेट वेट। लेट्स गो। दिस फीलिंग थोड़ा टेस्ट है। ये बात होती है यार मॉर्निंग राइड्स की। सारी दुनिया सोई होती हो तब आप जग के उठ के रेडी होके रवाना हो जाते हो यार, इसकी तो बात ही कुछ और है। ओके 6:10 इन द मॉर्निंग और रोड साफ हो रहा है। टेम्परेचर अभी शायद होगा 23.5, तो टेम्परेचर इज नॉट बैड, वेरी प्लीजेंट। और हमारा जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ से मुझे लगभग 15-17 किलोमीटर्स होएगा। सबसे बड़ी दिक्कत हर राइडर जो फेस करता है अगर सिटी में रहता है तो वो सिटी से बाहर निकलने का टाइम होता है। अगर पी कार में आ गए तो फिर से वही प्रॉब्लम, ट्रैफिक को अवॉइड करना। थर्ड गियर 24 KMPH। आज की जो राइड है हमारी 100-110 किलोमीटर जाना है यहाँ से। बहुत ही अच्छी हवा है, मतलब कि हवा बोले तो जब भी राइड कर रहे हैं तो हवा लग रही है थोड़ी सी। ये ग्रीन होगा कि नहीं होगा। सुबह सुबह में भी बहुत ट्रैफिक हो जाता है। यही मैं बोल रहा था कि अगर मॉर्निंग आवर्स अवॉइड कर सकते हो सिटी के अंदर, मॉर्निंग में भी जल्दी से रवाना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिटी से। जितना जल्दी ज़्यादा निकल जाओ बाहर उतना बेहतर है, अदरवाइज़ इसके बाद में ऐसी ही कुछ हालत हो जाती है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:20 और हालत देखो अभी ऐसा लग ही नहीं रहा है सुबह के 6:15-6:30 बज रहे हैं। सामने से बिल्कुल आएंगे, साइड बिल्कुल नहीं देंगे, यही हम करते आए हैं और यही हम करते रहेंगे। हाँ सो अब हम जो ये सर्कल आ रहा है यहाँ से, सर्कल से लेना है हमको लेफ्ट। इस सर्कल को बोलते हैं इंदिरा गांधी स्टैचू सर्कल। इंदिरा गांधी जी का स्टैचू है यहाँ पे, इसलिए इंदिरा गांधी सर्कल बोलते हैं ऑब्वियसली। सो दिस इज माई फर्स्ट राइड विद दीपक भाई एंड सैमसन। देखते हैं कैसे जाता है। ओके मेरे ख्याल से हमको ओवरऑल 3 घंटे लगेंगे जाना आना एंड वहाँ पे ब्रेकफास्ट करना, थोड़ी सी देर मस्ती मजाक करना, दैट्स ऑल। ये स्कूटी 80 की स्पीड से जा रही है यार, एक्टिवा देखो मानना पड़ेगा भाई एक्टिवा को। सो ये है हमारा सुचित्रा जंक्शन। सुचित्रा अंदर की तरफ में ये जंक्शन है, यहाँ से हमको जाना है राइट साइड में। लगता ही नहीं ये हाईवे है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड नागपुर हाईवे। यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो नागपुर है। वाह
क्या बात है। सो ऑलमोस्ट रीच्ड आई थिंक 300 meters, 300 meters, 200 meters। चलो भाई मिल गए। ऑलराइट सैमसन ने तो बोला ही जस्ट है स्टार्टेड, सो मुझे नहीं पता आप कहाँ तक पहुँचा है। वो क्या बोला है उसने? जस्ट नाउ बट आई एम काइंड ऑफ ओके स्ट्रीकर हॉस्पिटल में यहां पे। माय गॉड। सो बैड न्यूज, हमारा एक जो फेलो राइडर था सैमसन, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, सो ही वोंट बी एबल टू जॉइन। सो वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ राइडिंग नाउ, सो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल, वेयर योर हेलमेट, राइडिंग जैकेट, बूट्स, एवरीथिंग व्हाट इज पॉसिबल यू शुड वेयर इट, ऑल सेफ्टी गेयर शुड बी देयर बिकॉज इट्स नॉट सेफ राइडिंग अ बाइक, कम्स विद सम सेफ्टी हैजर्ड, सम रिस्क। मज़ा आता अगर स्ट्रीट स्क्रैम्बलर वाले भाई साहब सैमसन भी होता तो। मिलना हो नहीं पाया आज उनसे, नेक्स्ट टाइम। सो जो दीपक भाई चलाते हैं वो टाइगर एक्सी है। हाँ दिस इज़ एक्सी, यस टाइगर एक्सी, टाइगर एक्सी। हाँ हाँ हाँ, सीट थोड़ी सी डिफरेंट है और सीट हाइट मेरे हिसाब से थोड़ी सी लोअर है इसमें। और क्या डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं? ऑक्स लाइट लगवाया है इन्होंने, रैम माउंट, टॉप बॉक्स, सो इन्होंने पैनियर्स और टॉप बॉक्स का भी इंतज़ाम किया हुआ है। थोड़ा सा इनको रस्ट लग गया है बट लुक्स एब्सोल्युटली नाइस। ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी मैं हूँ, दीपक भाई हैं, बस दो ही हैं। ऑलराइट सो मेरे हिसाब से गोप्रो का बैटरी डिस्चार्ज हो गया था और बैटरी फिर से लगाया नया वाला। हम मालगुड़ी जो रेस्टोरेंट है उससे अप्रोक्सीमेटली 27 किलोमीटर्स पहले हैं, चलेंगे। ओके आई एम इन सिक्स गियर, 195 km/h, लेट मी चेक, आई एम गेटिंग 3 liters to 100 kilometers, सो अप्रोक्सीमेटली 30 km/h। अभी आजकल हर सिटी का यही हाल होगा कि मॉर्निंग में 6 बजे से ट्रैफिक शुरू हो जाता है, सुबह के 6 बजे के बाद और शाम के 6 बजे के बाद में सिटी के अंदर आपको बाइक चलाना अपराध है। ये लो कल्लो बात, लग गया जाम। चलो बाइक्स के लिए थोड़ी सी सुविधा रहती है कई बार। मेरे ख्याल से ये हाईएस्ट डिस्टेंस है हमारी ब्रेकफास्ट राइड का आज तक का, मेरा। बहुत दूर आए हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, हम लोग आ गए थोड़ा सा आगे। इशारों में बातें हो गई हैं हमारी कि हमको उधर से यू टर्न लेना है और उधर जाना है। अम्मा यार कहाँ है यू टर्न? ओके सो आई थिंक वी आर रीचिंग आर व्हाट आई थिंक, पहुँच गए हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे, दैट इज आर मालगुड़ी रेस्टोरेंट। मालगुड़ी डेज आया करता था किसी ज़माने में, एक सीरियल काफ़ी अच्छा लगता था मुझे यार, छोटी छोटी कहानियाँ रहती थी। दिस इज़ दी रेस्टोरेंट। ओके सो रीच द डेस्टिनेशन मालगुड़ी मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, लेट्स हैव सम इडली डोसा, नॉट मोर देन दैट, अ कप ऑफ टी एंड हेड बैक टू होम। बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर तो यार।
ब्रेकफास्ट ओवर हो गया है, लेकिन ब्रेकफास्ट राइड ओवर नहीं हुआ है। अभी हमको वापस से घर को जाना है और टाइम हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 9:00। 9 बज गया है अम्मा, कितना टाइम हो गया होगा? यहाँ से जाने में हमको अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर लगेगा, 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हैदराबाद। और ब्रेकफास्ट राइड से अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी तो वो दो लोगों को होती होगी, लंच को और डिनर को। सो इनको भी हम निराश नहीं करेंगे और आने वाली राइड्स के अंदर इनको भी इंक्लूड करेंगे। बहुत ज़्यादा रश है, अंदर बैठने को जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद में हमको प्लेस मिला, मसाला डोसा फिनिश किया है, एक एक कॉफ़ी पी है और फिर इसके बाद में अब रवाना होते हैं। ज़्यादा कुछ करने को तो होता नहीं है वैसे भी ब्रेकफास्ट राइड पे। वैसे बाइक्स को देख के सबसे ज़्यादा मज़ा जिसको आता है वो आता है लड़के। सो एक लड़का है, उसको मैं पूछता हूँ कैसी लग रही है बाइक। क्या नाम है बेटा? इधर आ, नीचे बैठ जा। क्या नाम है? अरे शर्मा गया। बाइक को काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा था वो, तो मैंने सोचा चलो उसको बैठाता हूँ, लेकिन शर्मा के भाग गया। दीपक भाई रवाना होते हैं। ऑलराइट, सो ये दीपक भाई, इनका चैनल है मोटो क्रेजी। चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाएं और जस्ट चेकआउट हिज चैनल, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लेना, आई एम श्योर दैट ही विल नॉट लेट यू डाउन। मेरे से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं प्लेसेस को, सो आपको बहुत ज़्यादा मोटो व्लॉग कंटेंट देंगे ये। चले स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट एक बहाना है, टाइगर को चलाना है। ऑल राइट, सो अब निकलेंगे मालगुड़ी रेस्टोरेंट से, विदाई का टाइम हो चुका है। स्टार्ट, चलो नाउ। रिटर्न हो रहे हैं अभी घर को, ब्रेकफास्ट फिनिश। और ब्रेकफास्ट राइड का एंड जो है ब्रेकफास्ट पे कभी नहीं होता, वापिस रिटर्न भी तो चलाना होता है ना भैया, इसलिए। चलो काफ़ी मज़ा आया दीपक भाई से मुलाकात, आगे हम राइड करेंगे साथ में होपफुली। Next one is going 125. थोड़ा बहुत स्ट्रेच के लिए ठीक है, मज़ा मस्ती ज़्यादा नहीं करने की, ज़्यादा दिमाग हवा में नहीं उड़ाने का, आराम से चलाने का। 80 की क्रूजिंग स्पीड पे आप देखेंगे सो आई एम गेटिंग अराउंड 3.3 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स, सो अप्रोक्सीमेटली 27 km/h का माइलेज मिल रहा है, विच इज़ ग्रेट ऑन टाइगर। अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स मोर टू गो टू हैदराबाद, और हमारा जो अभी एवरेज स्पीड है वो है 87 km/h। माइलेज हमको मिला है अप्रोक्सीमेटली 30 km/h, विच इज़ एक्सीलेंट। टाइम जो हो रहा है अभी हो रहा है 9:40, टेम्परेचर इज़ अराउंड 30 degrees, 29.5 टू बी वेरी प्रिसाइज। राइट नाउ आई एम क्रूजिंग एट 70-80 स्पीड। लेट्स एंगेज द क्रूज कंट्रोल एंड सी हाउ इट गोज। ये है मज़ा क्रूज कंट्रोल का, ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा मैं इसको, 80 की स्पीड से ऊपर नहीं यूज़ करें। दूसरा, ओपन स्ट्रेट जहाँ पे भी आपकी विजिबिलिटी सामने और पीछे लेफ्ट एंड राइट अच्छी हो उसी जगह पे आप यूज़ करें, और तभी यूज़ करें जब बिल्कुल ज़रूरत हो, जैसे कि मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, फिर भी मैं अभी होशियारी मारने के लिए कर रहा हूँ और दीपक भाई पीछे की तरफ में स्टैंड कर रहे हैं। चलो मेरा स्टैंड बंद करता हूँ। दीपक भाई को बोल दिया है मैंने बाय बाय, अभी वो वहाँ से सीधा रोड पकड़ लिया है उन्होंने, वो सिकंदराबाद जाना है उनको। मैंने ये शॉर्टकट ले लिया है, सर्विस रोड है, आउटर रिंग रोड के साथ में लगा हुआ सर्विस रोड है, इस पर ट्रैफिक थोड़ा सा कम मिलेगा और ये मुझे पीछे से घुमा के अपने घर पहुँचा देगा। तो और अभी टाइम भी हो चुका है, लगभग 10 बज चुके हैं,
तो 10:30 तक तो घर पहुंच जाने चाहिए। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर है घर। या ओके, स्ट्रेट सीधा दिख रहा है, चले। ब्रेकर नहीं हो बस बीच में कोई। बस इससे ही, क्योंकि आगे जाके एक ब्रेकर आने वाला है। ये बार चलो घर पहुंच रहा हूँ।